अब आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सैमसंग का M31। ये पिछले साल अप्रैल 2020 में मॉडल आया था। अब इसके कई वर्जन आ गए हैं एम सीरीज़ में। ये M31 है, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसको पूरा रिव्यू भी देता हूँ। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इसके साथ इसका निकला है, ये फ्लिप निकली है कि मतलब इसका जो बिल है, इनवॉइस है जिसे कहते हैं, जब आप कुछ डिफेक्ट आ जाता है या कुछ होता था। इसको मैंने मंगाया 14,999 से, मान के लिए 15,000 में इसको है, उसकी प्राइसिंग है। ये है सैमसंग M31। ये देखिए इसमें क्या क्या है। 16.21 सेंटीमीटर फुल रेक्टेंगल इसका वो है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। चार कैमरे हैं इसमें, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 5 क्वाड रियर कैमरा है। फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का है और 191 ग्राम इसका वेट है। बहुत ही लाइट वेट है इसका। पहला इसको यूज़ करने से खास बात है कि ये इंडिया के लिए, मेड इन, जो सैमसंग का जो इंडियन ब्रांड है, इसका मतलब है, एम का मतलब जो होता है मेड इन इंडिया, यानी कोई भी, जब ये एक्टिवेट ही तब होगा जब कोई इंडियन सिम लगेगा। इसलिए फर्स्ट 5 मिनट के लिए ये आपको इंडियन सिम लगाना पड़ेगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। अगर आप सोचते इसको लेके किसी फॉरेन में चला जाऊँ, कोई दूसरा सिम लगा लूँ और फर्स्ट टाइम, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। आपको इंडियन सिम, एम का मतलब मेड इन इंडिया, सैमसंग का ये है। आपको पता बताया इसमें 6000 mAh की बैटरी है, 15 वाट का चार्जर है जो इसी के साथ है। अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें 6 GB की रैम है, रोम जो है 128 GB की हार्ड डिस्क जिसे है, ये है 6 GB रैम वाला ये। इसको मैंने नेवी ब्लू, मतलब डार्क ब्लू में इसको मंगाया था मैंने। ये इसके 3 वेरिएंट कलर आते हैं, डार्क ब्लू, ब्लैक और नेवी ब्लू। ये इसमें चार्जर है और ये इसके साथ डाटा, इसकी डाटा केबल है। पहले टाइम तो ईयरफोन भी आते थे, अब कंपनियों ने ईयरफोन भेजना बंद कर दिया है। जो चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्लेयर आ रही है। इसमें सैमसंग का जो ट्रैवल अडेप्टर है, इसमें 100 से 200 वोल्ट इंडियन वोल्ट के लिए है, 50 से 60 हर्ट्ज के लिए, 0.5 एम्पियर का देगा इनपुट, 0.5 एम्पियर। आउटपुट जो होगा 9 वोल्ट का होगा और 5 वोल्ट का होगा। 5 वोल्ट पे होगा तो 2 एम्पियर आउटपुट देगा, अगर 9 वोल्ट है तो 1.67 एम्पियर आउटपुट देगा। खास बात है कि इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना कंपलसरी कर दिया है। देखिए BIS.gov.in। अब इसकी हम वो देखेंगे, ये क्या छपा है नीला नीला, ये देखिए IMEI नंबर। ये है ऑन करना इसे।